आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे शहर के बारे में जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को संभाले हुए है। ये शहर जाना जाता है अपने यहाँ के खान पान के लिए, यहाँ की मिठाई और यहाँ की मछली हाय लोगों को अपना दीवाना बना देती है। एक ऐसा शहर जहाँ रसगुल्ले का आविष्कार हुआ था और ये शहर जाना जाता है अपने फुटबॉल प्रेम के कारण। और इसी शहर ने दिया है भारत को 5 नोबेल विजेता। और इसी शहर में आपको देखने को मिलेगा एशिया का सबसे पुराना ट्रॉम जो आज भी सही सलामत चलती है। देश का सबसे पुराना चिड़ियाघर से लेकर देश का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ है? इसी शहर में है। यहाँ के लोगों को किताबी कीड़ा कहा जाता है और शायद इसलिए भारत की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी भी इसी शहर में है। दोस्तों, आज बात हो रही है भारत के दूसरे सबसे बड़े महानगर कोलकाता के बारे में। सिटी ऑफ जॉय के नाम से इसे जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं खूबसूरत शहर कोलकाता के एक मजेदार सफर पर। दोस्तों, कोलकाता भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है और भारत के 4 महानगरों में से एक है। शहर की जनसंख्या करीब 1,60,00,000 के आसपास है। कोलकाता बहुत ही धनी आबादी वाला शहर है जहां 22,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। शहर की मुख्य भाषा तो बंगाली है, पर यहां के लोग हिंदी और इंग्लिश भी बोलते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन ब्रिटिश शासन काल में कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करती थी। कोलकाता को लंदन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता था और तब इस शहर की पहचान महलों का शहर और पूरब के मोती के रूप में होती थी। कोलकाता शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोग एक दूसरे को खुशी देते हैं। जी हाँ, कोलकाता के लोग अपने ही दुनिया में मगन रहते हैं और सबको प्यार देते हैं। यहाँ के लोगों में सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये लोग किसी को भी तंग नहीं करते हैं और अपने काम से ही मतलब रखते हैं। यहाँ के लोग जो मजदूरी का काम भी करते हैं ना, उनके चेहरे पर भी अच्छी सी मुस्कान देखने को मिलती है। सच ही कहा गया है दोस्तों कि खुशी और अमीरी में कोई रिलेशन ही नहीं होता है। इस शहर के गरीब से गरीब लोग भी आनंद से रहते हैं। दोस्तों, कोलकाता को रसगुल्ले की जन्मभूमि माना जाता है। अगर आप मिठाई के शौकीन है ना, तो आपको तो पता ही होगा कि मिठाई में सबसे फेमस क्या होता है, रसगुल्ला। और क्या, लोगों के बीच मिठाई में सबसे प्रसिद्ध और पसंद किया जाने वाला रसगुल्ला, जिसे रोशोगुल्ला उच्चारित किया जाता है, यहाँ की मूल मिठाई है। रोशोगुल्ले को सबसे पहले सन 1868 में कोलकाता के ही स्थानीय हलवाई श्री नोबेल चंद दास द्वारा बनाया गया था। इस मिठाई को प्रसिद्धि तब मिली जब एक बहुत ही अमीर सेठ उनकी दुकान पर पानी पीने के लिए आए और उन्होंने पानी के साथ रसगुल्ले को भी उनके सामने परोस दिया, जो उन धनी सेठ को बहुत पसंद आया और उन्होंने बहुत सारे रसगुल्ले अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी खरीद लिए। इस तरह से ये मिठाई लोकप्रिय हो गई। कोलकाता में सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है यहाँ का नाश्ता। जी हाँ, इस शहर में आपको सुबह सुबह ही गर्मा गर्म पूरी सब्जी खाने को मिलेगी। यकीन मानिए, इसका स्वाद हाय लाजवाब होता है। गर्मा गर्म पूरी के साथ आलू चने की सब्जी परोसी जाती है और साथ में होता है जलेबी, जो चीनी की चाशनी में डूबा हुआ शुद्ध देसी घी का बना होता है। जी हाँ, आपने हैदराबाद की बिरयानी के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन आपको पता है कि कोलकाता की बिरयानी का भी कोई जवाब नहीं है। जब आप यहाँ की बनी बिरयानी खाएंगे ना, तो आपके मुंह में ये कब घुल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ की बिरयानी में आलू का इस्तेमाल खूब किया जाता है और साथ ही साथ मटन बिरयानी का तो जवाब ही नहीं। दोस्तों, यहाँ आपको बहुत सारी वैरायटी में बिरयानी मिल जाएगी, जो स्वाद में सभी एक से बढ़कर एक होती है। जब भी आप इन बिरयानी को देखेंगे ना, तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। वैसे भी ये शहर अपने खाने पीने के लिए जाना जाता है, तो यहाँ आपको जो भी मिलेगा ना, लाजवाब ही मिलेगा। कोलकाता भारत के उन गिने चुने शहरों में से एक है जहाँ फुटबॉल का जुनून यहाँ के निवासियों के सर चढ़कर बोलता है। इस शहर को भारत के फुटबॉल की राजधानी माना जाता है। यहाँ के सॉल्ट लेक स्टेडियम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है। जब भी फीफा वर्ल्ड कप खेला जाता है, तब ये शहर दो भागों में बंट जाता है। यहाँ के लोग ब्राजील और अर्जेंटीना को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही उत्साहित होते हैं। वर्ल्ड कप के समय इस शहर का माहौल तो यार कुछ और ही होता है। ऐसा लगने लगता है कि फीफा वर्ल्ड कप इसी शहर में हो रहा है। इसके साथ ही जब यहाँ दो लोकल क्लब खेलती हैं, तो उसका भी नजारा गजब का देखने लायक होता है। आपको अगर कभी मौका मिले ना, तो आप इन दो क्लब के बीच होने वाले मैच को जरूर देखना, मजा आ जाएगा। फुटबॉल के साथ ही साथ कोलकाता में क्रिकेट भी बहुत फेमस है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कोलकाता में ही है, जिसका नाम ईडन गार्डन स्टेडियम है। भारत के नेशनल क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली का घर भी कोलकाता में ही है और क्रिकेट के लिए यहाँ के लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं। कोलकाता में स्थित हौरा रेलवे स्टेशन
स्टेशन भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जिसमें 23 प्लेटफॉर्म्स हैं और उसमें हर दिन 617 से भी ज्यादा पैसेंजर्स ट्रेन गुजरती हैं। अगर आपको इस रेलवे स्टेशन पर रुकना है तो आप आराम से यहां के वेटिंग रूम में रुक सकते हैं। ये रेलवे स्टेशन भारत के व्यस्ततम रेलवे स्टेशन में से एक है, जहां हर समय भीड़ रहती है। दोस्तों, कोलकाता एक ऐसा शहर है जहां के लोग सोना भूल सकते हैं, लेकिन दिन में एक बार मछली खाना कभी नहीं भूलते। जी हाँ, यहाँ के लोग मछली खाए बिना रह नहीं सकते हैं। मछली का जो टेस्ट आपको यहाँ मिलेगा वो शायद ही दुनिया के किसी कोने में मिलेगा। कोलकाता में हजारों तरह की मछलियाँ मिलती हैं, जिसको ना जाने कितने तरीकों से बनाया जाता है। आप यहाँ की मछली खाकर इनके रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि जो मछली आपको यहाँ खाने को मिलेगी वो शायद कहीं नहीं मिलेगी। आपको जब भी कोलकाता जाने का मौका मिले ना, तो आप इस जायके का मजा लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अब बात आती है दुर्गा पूजा की। जैसे दुर्गा पूजा ना आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा, वैसे दुर्गा पूजा पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ दुर्गा पूजा के हर एक पंडालों में करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। पूजा के समय पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है और दुर्गा के साथ साथ यहाँ के लोग माँ काली को भी बहुत मानते हैं। कोलकाता में बसा बिरला प्लेनेटेरियम एशिया में सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेटेरियम है, जहाँ पर हर रोज करीब हजारों की संख्या में लोग आते हैं देखने के लिए। सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको टूरिस्ट मिलेंगे जो स्पेन या फिर ब्रिटेन से आए हों। ये बात तो आपको पता ही होगी कि कोलकाता में ही भारत की सबसे पहली मेट्रो ट्रेन चली थी। यहाँ मेट्रो ट्रेन की शुरुआत 1984 में हुई थी। कोलकाता की मेट्रो ट्रेन भले ही पुरानी हो गई है, लेकिन ये ऐतिहासिक अभी भी है। इस मेट्रो पर सफर का अपना एक अलग ही मजा है। आप कोलकाता मेट्रो में बैठकर पूरे कोलकाता शहर को एक्सप्लोर कर सकते हो। और आज के समय में भले ही मेट्रो भारत के कई शहरों में अपनी सेवाएं दे रही हो, लेकिन जो बात ना कोलकाता मेट्रो की है वो किसी और मेट्रो में नहीं है। कोलकाता के लोगों के बीच में बात करना सबसे कॉमन चीज है। ये एक तरह की हॉबी है यहाँ के लोगों की। यहाँ पर कोई जल्दीबाजी नहीं होती है। अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो ये आपसे जरूर बात करेंगे। यहाँ के लोग बातचीत करने में कोई कंजूसी नहीं दिखाते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात पर होती है तो वो है चाय। जी हाँ, कोलकाता के लोगों में चाय पीना और राजनीति पर बात करना सबसे कॉमन है। इस शहर में हर चौराहे और हर नुक्कड़ पर आपको चाय की दुकानें दिख जाएंगी और इन दुकानों पर बहुत ही भीड़ लगी रहती है। कोलकाता का मशहूर हुगली नदी के ऊपर बना हावड़ा ब्रिज गेटवे ऑफ कोलकाता के नाम से मशहूर है। इस ब्रिज को नोबेल प्राइज विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रविन्द्र सेतु भी कहा जाता है। हावड़ा ब्रिज हावड़ा और कोलकाता को जोड़ता है। ये इंडिया का सबसे पुराना ब्रिज है, जिसको अंग्रेजों ने बनाया था। आज ये ब्रिज टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। जो भी पहली बार कोलकाता आता है वो सबसे पहले इस ब्रिज के बारे में ही पूछता है। रेलवे स्टेशन से निकलते ही कोलकाता शहर आने के लिए इस ब्रिज से ही गुजरना पड़ता है। दोस्तों, कोलकाता में एक से बढ़कर एक कलाकारों का घर है। ये कोलकाता की ही देन है कि देश को 5 नोबेल पुरस्कार विजेता मिले हैं, जो कि हैं सर डोनाल्ड रोज, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, अमर्त सेन और अभिजीत बैनर्जी। इसके अलावा सत्यजीत रे कोलकाता से ही हैं, जिन्हें पूरी दुनिया में सिनेमा में योगदान के लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन सिंगर अरिजीत सिंह भी कहां से हैं? कोलकाता से ही तो हैं। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कोलकाता के सोनागाछी में स्थित है। एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि यहां पर करीब 11,000 वर्कर्स हैं। इस धंधे से जुड़ी महिलाओं को लाइसेंस दिया गया है। क्या आपको पता है कि यूनाइटेड किंगडम से बाहर दुनिया का सबसे पुराना और पहला पोलो क्लब कोलकाता में ही स्थापित किया गया था। इस क्लब को 1858 में बनाया गया था। अब तो पूरे यूरोप के कई सारे शहरों में पोलो क्लब मौजूद है। कोलकाता में स्थित इस पोलो क्लब का नाम रॉयल पोलो क्लब है, जहां रॉयल लोग पोलो खेलते हैं। इस क्लब में कई इंटरनेशनल मैच भी होते हैं। ये तो सबको पता है दोस्तों कि बंगाली लोग किताबें पढ़ना कितना पसंद करते हैं, इसीलिए बंगालियों की जो नॉलेज होती है ना वो बहुत ही ज्यादा होती है। इस शहर के लोगों को किताबी कीड़ा भी कहा जाता है। अगर आपको भी किताब पढ़ने का शौक है तो कोलकाता आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी कोलकाता में ही स्थित है। कोलकाता में स्थित नेशनल लाइब्रेरी भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इस शहर में हर वर्ष बुक फेयर का आयोजन भी किया जाता है, जो भारत को सबसे बड़ी बुक फेयर मानी जाती है। इस बुक फेयर में आपको दुनिया के तमाम पब्लिकेशंस के बुक मिल जाएंगे। कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिकल गार्डन में स्थित एक विशाल बरगद पेड़ है, जो दुनिया का सबसे घना पेड़ है। ये बरगद का पेड़ लगभग 3.5
एकड़ की जमीन में फैला हुआ है। इस पेड़ को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। इसे देखकर सब अचंभित हो जाते हैं कि कोई पेड़ इतना बड़ा कैसे हो सकता है। दोस्तों, कोलकाता इंडिया का इकलौता ऐसा शहर है जहां इलेक्ट्रिक ट्रॉम चलाई जाती है। जी हां, इसकी शुरुआत 1902 में हुई थी। ये ट्रॉम आज भी आपको कोलकाता की सड़कों पर मिल जाएगी। अब तो इस शहर में एसी ट्रॉम भी चलने लगी है जो आपके सफर को बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड बना देती है। इसके अलावा दोस्तों, कोलकाता भारत का इकलौता ऐसा शहर है जहां पर हैंड पूल रिक्शा चलाया जाता है। इस रिक्शा में सवारी बैठने के बाद इस रिक्शा को चलाने वाला अपने हाथों से इसे खींचकर चलाते हैं, जो कि बहुत ही मेहनत का काम होता है। तो दोस्तों, ये था बहुत ही खूबसूरत शहर कोलकाता। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की वीडियो में आपको कोलकाता की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। आप में से अगर कोई कोलकाता से है ना, तो हमें जरूर बताइएगा। वैसे क्या आप कभी कोलकाता गए हो? अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना ना भूलें।